हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है डे सेकंड और हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग की तरफ। पीछे का नज़ारा और ही पहाड़ है। One eternity later. हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में। ये है GMBN का कॉटेज। ये पूरा बुक्ड था बट हम लोग के जाने पर हम लोग को रूम्स मिल गए। वी आर लकी आई गेस। तो यार इस पर शिफ्ट होने भाई, यहाँ का सीन पीछे हमारा नज़ारा कुछ ऐसा है। कॉटेज एंड दिस इज द सीनरी। सामान लाके शिफ्ट होते हैं। A few moments later. तो हम लोग अब रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं घूमने और हमने अपना रूम भी ले लिया है। ये हमारा रूम थोड़ा भी मेसी है बट स्टिल इट्स ऑलराइट। बट मेन चीज यहाँ का व्यू, यहाँ का व्यू देखिए भाई। निकल चुके हम लोग जा रहे पास के झरने को देखने। हॉल पे चलते हैं पानी के और करीब। वाओ, बहुत सही सीन है बट रात हो रही है तो हम लोग को निकलना होगा। चलते हैं, जा रहे हैं कुछ लोकली खाने। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इनमें से किसी एक में ट्राई करते हैं। कल हमारा काफी बड़ा प्लान है। कल हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ चढ़ाई करने। The next day. Good morning and welcome to my vlog all the way from Uttarakhand. Right now we are in Sonprayag. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपना ट्रैक स्टार्ट करने बट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हम लोग ने सामान अपना जमा कर दिया यहाँ क्लॉक रूम से। हम लोग ने एक बैग लिया है, तीनों का सामान उसी में है। जा रहे हैं केदारनाथ। आने वालों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। सुबह की फर्स्ट तो रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। कल हम लोग हैं सोनप्रयाग पे, जीप से हम लोग जाएंगे गौरीकुंड, वहाँ से हमारा मेन यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे सारी चीज़ों के रेट्स 5 times ज़्यादा हैं। बस वाली मैगी 50 की मिल रही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ तो चीज़ें बहुत महंगी हैं। दिस इज सोनप्रयाग, वी हैव टू गो ऑल द वे टू द टॉप। पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे आते ही जस्ट अभी ठंडी लगी, बहुत ठंडी है बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। दिस इज अवर रूट राइट नाउ। भाई हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर देख तो पहले। ओ ब्रो भाई को रहा रहने का मुझे पार गिरने लगा। अभी हमारा जर्नी शुरू ही हुआ है, ठंडी ऑलरेडी लगने लगी। मैंने एक लेयर और बढ़ा ली। ऊपर से हेलीकॉप्टर कंटिन्यूअसली जाते रहते हैं। हाँ, पार्सो बैठाने वाला हम लोग, पार्सो भैया बर्थडे, पार्सो भैया बर्थडे आज हम लोग बैठाएंगे। ये फंस गया सी है। तो आपका बर्थडे आप बैठा रहे ना, हम कुछ करवाएंगे नहीं आपको। इसी में अर्ज किया है। हाँ, इश्क़ हाँ,
जहर जाम क्या क्या है जी? वाह वाह, हम आ गए, पता इंतजाम क्या क्या है। वाह 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 वाह, हेलीकॉप्टर भी कप्टन इंतजाम कर रहे हैं। देखो फिर से गौरीकुंड के लिए बसेस मिलती हैं, हम लोग भी इसी बस करके जल्द से निकलते हैं। 20 रुपये पर हेड में मिल गई जीप, चलते हैं। और भी है गौरीकुंड, जस्ट अभी अभी उतरे हैं। ये है गौरीकुंड भाई, यहाँ से शुरू है हमारा ट्रैक। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30। हम लोगों ने बहुत अर्ली मॉर्निंग ट्राई किया था निकलने का, हम लोग 4 बजे उठ गए थे, बट काफ़ी लेट हो गया। चढ़ाई है भाई, इट्स नॉट ईजी। अभी हमने स्टार्ट ही किया है और ऑलरेडी थकान हो रही है। ऐसा है कि पहले बसेस जाती थी डायरेक्ट गौरीकुंड, बट आफ्टर द 2013 ट्रेजिडी बसेस अब रुक गई हैं उन प्रयाग तक। उसके आगे रास्ता इतना सकरा है कि आपको जीप करना पड़ता है। रास्ते में काफ़ी झरने भी पड़ेंगे लाइक दिस वन, अभी बहुत लंबा रास्ता है। करंट टेम्परेचर राइट नाउ इज 24 डिग्री सेल्सियस, बट फील हो रहा है उससे काफ़ी ठंडा। बट अगेन चलने से काफ़ी राहत है, ठंड नहीं लग रही है काफ़ी, इनफैक्ट हल्की सी गर्मी ही लग रही है। पैसे जा रहा है। तो आई डोंट नो इफ आई मेंशन बिफोर, ये ट्रैक है 18-19 किलोमीटर लॉन्ग। हम लोग को लग जाएगा ऑलमोस्ट मिनिमम 8 आवर्स चढ़ने के लिए, मैक्सिमम 10-12 आई डोंट नो। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, पूरे रास्ते झरना बह रहा है। दिस इज द ट्रैक। इतनी मेहनत बस एक चीज के लिए, वो अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स दिस एज वेल। गीला हो गया यार, ठंडी लगने लगी थी। एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको ले जाएंगे। रुके हैं थोड़ा खाने पीने, खीरा काफी एनर्जी देता है। डेढ़ घंटे हो चुके हैं और हम लोग अभी तक कवर किए हैं सिर्फ 3.5 किलोमीटर। लंबा सफर अभी बाकी है। पहली बार धूप देखने को मिला, अंदर से गर्मी लग रही है, बाहर से ठंड है, बट काम चल जा रहा है कम कपड़ों में, मेन ठंडी ऊपर पड़ेगी।
जगह जगह पर ऊपर पानी गिर रहे हैं, एकदम फ्रेश वाटर है, लोग यहाँ से पानी पीते भी हैं। यार मेरे मोबाइल की बैटरी आउट हो रही है और स्पेस भी ख़त्म है, तो मैं अब भाई के मोबाइल से ब्लॉक कर रहा हूँ। रूट अपना ये है, बट फन पर्पस से हम लोग इस रूट से जाएंगे, वरना अपना रूट पूरा वो होता। और अब आगे भाई हमारे जा रहे हैं घोड़े से। चल भाई बैठ। वन मैन डाउन है, अब हम दोनों सिर्फ बचे हैं। रास्ता बहुत लंबा है, संघर्ष हुआ है, बहुत संघर्ष है, सफलता आ गई है। ये रास्ता बिल्कुल इजी नहीं है, तो अगर कोई भी आए सोच समझ के आए भाई। आगे घोड़े लेने की बात हुई है, बट लेंगे नहीं। क्योंकि भाई चलना हम लोग ने डिसाइड किया कि पैदल ही करेंगे। क्वाइट एन अचीवमेंट है। हाँ चल भाई, कैसा लग रहा है? अरे सो मच फन। चलो हम लोग आते हैं। अपडेट, हम लोग चलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और आई गेस 5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा चलना बाकी है। और 2013 में जो ट्रेजिडी हुई थी उसका आई गेस लोकेशन यही है, पूरा यहीं से पानी गिरते हुए आया था फ्लड में। अगर मतलब इमेजिन नहीं होता इतना ज़्यादा डिजास्टर रहा होगा उस समय। तक हम लोग रेस्ट कर रहे थे, हमारा रेस्ट हो गया। चलो जाके चलो 3 2 1 ब्रो चले फाइनल, कैन डू इट ब्रो। मैं शपथ लेता हूँ मैं घोड़ा नहीं लूंगा। महादेव शपथ लेता तो घोड़ा नहीं लोगे? अभी नहीं लेंगे, शपथ थोड़ी देर बाद लेंगे। 2 घंटे चढ़ने के बाद भी 10 किलोमीटर अभी और है। ये चढ़ के वहां से पूरा आगे तक जाना है। तो जो 2013 में केदारनाथ का फ्लड आया था उससे यही सब टूटा है, उसके बजाय नया ब्रिज बनाया गया है। वाओ शुरुआत में बहुत मजा आ रहा था, अब लग रहा ज्यादा हो रहा है। इट्स टू मच नाउ। इतना ऊपर कौन बोल रहा था? फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। तीन घंटे बीत गए हैं, अभी भी 8.5 किलोमीटर बाकी है। मैं आंसू आ चुके हैं, पैर जवाब दे चुके हैं। बस एक चीज के लिए चलो। रास्ता भी बहुत लंबा है, बहुत कवर करना। हम लोग रुक रुक के चल रहे हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। पूरे रास्ते काफी घुमावटी हैं। भाई इस ट्रैक के बाद लग रहा है
हमें भी बोलना पड़ेगा कि मेरी एक टांग नकली है। हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था भाई की आवाज गई चलते हुए हम लोग को 5 घंटे हो चुके हैं। आकर्ष भाई दम जवाब दे चुके हैं, उनमें भी बहुत कम ताकत बची है। कंटिन्यूसली यहाँ से हेलीकॉप्टर्स भी जा रहे हैं, बट मैं गरीब हूँ। ट्रैक करते हुए 6 घंटे हो गए हैं और ये अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखिए कितना बाकी है, अभी पूरा ऊपर तक जाना है। बाप रे, काफ़ी करीब आ गए हैं बट अभी भी काफ़ी डिस्टेंस है। अभी भी हमें 5 किलोमीटर्स और चलने हैं। तो बहुत मेहनत के बाद हम लोग आखिरकार ऊपर आ चुके हैं। केदारनाथ नहीं पहुंचा बट ऑलमोस्ट ऊपर हम लोग आ चुके हैं। सारे घोड़े यहाँ पर, इन लोगों ने बड़ा हिम्मत तोड़ा रास्ते में, सच में 1200, 1500, 1000, 800 फ्री में चलो। लगा था कि ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तभी ये देखने को मिल रहा है। सुबह आते समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सबके मोबाइल फोन्स की बैटरीज एकदम ख़त्म हो गई थी, तो मैं आगे व्लॉग नहीं कर पाया। मैं भी चाहता था कि फर्स्ट इंप्रेशंस लूँ सबके, बट अभी शाम हो गई है, टाइम हो रहा है 6:30 और टेम्परेचर है फिलहाल का 5 डिग्री सेल्सियस और मेरे जस्ट सामने है केदारनाथ मंदिर। हियर इज द फर्स्ट लुक।
वीडियो क्लिक करो, वीडियो लेगा तो एक बार। अच्छा सॉरी सॉरी, तो दर्शन भाई हो गया है। हाँ भाई, व्हाट्स द प्लान नेक्स्ट? इधर से फोटो ले, इधर से अच्छा आ रहा है, इधर से अच्छा पूरा आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है। इतनी बड़ी फ्लड में भी मंदिर का कुछ नहीं हुआ, बड़ी बात है। बाकी अभी रात है इसलिए दिख नहीं रहा, वरना पूरे अगल बगल माउंटेन्स हैं, लेकिन मैं सुबह दिखाऊंगा। तो मैं चल रहा हूँ अगल बगल के शॉप्स, देखते हैं कैसा है, क्या है, क्या क्या मिल रहा है इधर। मैंने बताया नहीं, हम लोग को उतरने में एग्जैक्टली 8 आवर्स लगे थे। 7:30 पर हमने स्टार्ट किया था और हम लोग पहुँच गए थे 3:30 पे ऊपर। एटीट्यूड हो गया था तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट चलिए कितने मिला लुटा के और भी 180। हमारा डिनर हो गया है, टाइम हो रहा है 9:36। एक भाई अभी भी डाउन है, वन मैन डाउन सिंस रुद्रप्रयाग। ये एक बहुत ही राउंड सी जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है। गोल दिखा दो, पूरा एक गोल है, डायरेक्ट टेंपल दिखता है। तो भाई आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो भाई सच बताए तो जब 10-12 तक पहुँचे, कोई कहा कि 4 किलोमीटर और है, 4 किलोमीटर हम और चल, फिर किसी से पूछा अभी भी कहा 4 किलोमीटर और है, तब पहली बार जाके आंसू निकला। नहीं सच में आंसू निकला, सच में, क्योंकि चढ़ान उतना आसान नहीं है। मतलब लिखा है कि 5 किलोमीटर लेफ्ट, आप चढ़ जा रहे हो, इतना दूर चले जा रहे हो, 4.5 किलोमीटर लेफ्ट। तो हम लोग का ये पूरा शुरुआत से ही प्लान था कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग घोड़ा ना करें, हम लोग अपने से ही खुद से आना चाह रहे थे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना था हम लोग को, एक ही बार आना है। और भाई मजा आ गया ब्रो, तुम्हें इस पत्थर का सिग्निफिकेंस पता है? हाँ, गिरा तो 2013 बताते हैं, इधर आओ बताए इस पत्थर का। बड़ी ट्रेजिडी थी, उसमें क्या हुआ था, पूरी स्लो थी, उसकी वजह से ये पत्थर गिर के आ गया यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। और सुनो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो भी लहर आई पूरा 2 भाग में बट गई, जिससे मंदिर को कुछ नहीं हुआ, आधा इधर चला गया, हाँ आधा उधर चला गया। सोचो ऊपर वाले करिश्मा देखिए, बस मंदिर के बस पीछे रुक रहे हैं, मंदिर के एग्जैक्टली पीछे रुक रहे हैं। मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये है मेरा भाई आकर साहू, ये भाई मेरे बहुत शायरी करते हैं। हो जाए भाई, हो जाए, इसको देख के ख्याल आया। जी जी, चल। किसने दस्तक दी दिल पे, ओए कौन है, कौन किसने दस्तक दी दिल पे, कौन है बाबा, अब तो अंदर है बाहर कौन है। आए हाय, आए हाय, बेटा दिल टूटा हुआ। हाँ हो जाए, हो जाए, क्लास 10th के बाद। हर गुनहगार दिखने वाला बंदा चोर नहीं होता, हर गुनहगार दिखने वाला बंदा चोर नहीं होता, दिल टूट जाता तो शोर नहीं होता। आए हाय, आए हाय। अबे हमारे बड़े भैया जी अर्ज किया है, इरशाद तेरी मुस्कुराहट का नशा अभी उतरा नहीं, तेरी मुस्कुराहट का नशा अभी उतरा नहीं था कि जाम हमने एक और पी लिया, जिसके साथ जिंदगी बितानी थी उसके बिना एक दिन और जी लिया। यहाँ दर्द हुआ, एक और हो जाए, हो जाए, हो जाए, माहौल बना, माहौल बन गया। एक उम्र बितानी है मुझे उसके बगैर, एक उम्र बितानी है मुझे उसके बगैर, और एक रात है जो मुझसे काटी गई। परिवार फैमिली खानदान को दर्शन करा दिए, अब सबसे पैसा लेना है, बस चल भी लेंगे। आज हम लोग यहाँ स्टे करने वाले हैं, एक बार 1 डिग्री टेम्परेचर है फिलहाल, बस आज इतना ही,
हम लोग दर्शन करके उतरने वाले हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए भी। अगर आकर आपको सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। गिव अवे, जो पहले 100 लाइक किया उसको प्रसाद। जो पहले 50 कमेंट करेगा उसको केदारनाथ का फ्री टिकट। स्पॉन्सर्ड बाय आकर्ष। पैसा लगेगा पार्थ भैया का। चल भाई चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्ज किया है इरशाद।